झारखंड के गढ़वा जिले के मझियाओं थाना के पासी टोला में मातम पसरा है। बीते दिनों इस टोले के 8 लोगों पर बरसात में वज्रपात कहर बनकर टूटा और 8 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। उनके परिजन सकते में हैं। टोले से एक साथ 8 शव यात्रा के साथ जब चिता जली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। मझियाओं थाना के पासी टोला गांव, जहां गुरुवार को वज्रपात से एक साथ 8 युवकों की मौत हो गई और कई झुलस गए। अभी भी कई लोग जिला अस्पताल में इलाजरत हैं। एक साथ इतने मौत से बर्बाहत लोगों की आंखें तब बरस पड़ी जब उनके द्वारा अपने जिगर के टुकड़े का जनाजा खुद के कंधे पर उठाना पड़ा। इस घटना की जानकारी ने सबको गमजदा कर दिया है। सभी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खुद को पीड़ित परिवार के साथ बता रहे हैं। हम आए सोचे कि एक दो लोग बने होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 16-8 लोगों की मौत हुई है। और बगल में इसका कारण यही बनता है कि मोबाइल वोबाइल का कोई सिस्टम था। आज तो इलेक्ट्रॉनिक जमाने में और नेट के ज़माने में 4G मोबाइल अपने आप मिनट पर काम करती है, उसी के तरह खींच कार में ऐसा हुआ। उधर हर मामले में सरकार और प्रशासन को दोषवा ठहराने वाला विपक्ष इस मौत मामले में भी उन्हें ही दोषी बता रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज गढ़वा जिले का जो मझियाओं प्रखंड है और मझियाओं के जो शहर से सटे हुए बाजार हैं, वहाँ पर 14 लोगों के जो टोले हैं, वहाँ पर जो वज्रपात हुआ और उसमें 8 लोगों की जो जाने गई है, ये बहुत ही दुखदाई है। इसके लिए हम लोग सारे लोग मर्माहत हैं। घटना तो घट गई, लेकिन घटना में हताहत हुए लोगों के परिजनों को जल्द सहायता मिले, इस निमित्त जिला प्रशासन जुटा हुआ है। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिले के उपायुक्त ने कहा कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दी जा रही है। देखिए, आज हमारे जिले में एक वज्रपात की बहुत ही भयंकर घटना हुई है, जिसमें एक साथ एक ही टोला के 8 सदस्यों की मौत हुई है और कई 3-4 संख्या में घायल हुए हैं, इलाजरत हैं सदर अस्पताल में। विभागीय प्रावधान है कि ऐसे मामलों में हम लोग जो राशि दी जाती है वो हम राशि भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि जिले के जो हमारे नागरिक हैं वो ऐसी घटनाओं पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें कि कैसे बचाव हो सकता है। प्रायः हम लोग बारिश होने पर पेड़ की शरण लेते हैं, लेकिन वज्रपात के समय पेड़ की शरण लेना बहुत ही जो है घातक होता है। सभी लोग हम ये प्रयास करें कि ऐसे मामलों में हम सतर्क रहें। वज्रपात में हताहत हुए 8 युवाओं की चिता की राख अब ठंडी भी हो जाएगी, लेकिन यह सवाल आग की तरह सुलग रही है कि आखिर प्रकृति के कोप से कैसे बचा जाए। न्यूज 11 के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।